फैक्ट्री में रबर बनाने के लिए सबसे पहले रबर ट्री से लेटेक्स को कलेक्ट किया जाता है। अब इस कलेक्टेड रबर के दूध को फैक्ट्री में लाकर फार्मिक एसिड से रबर और इसके पानी को अलग किया जाता है। इसके बाद इस रबर को प्रेसिंग रोलर मशीन से पतले शीट्स में कन्वर्ट करके इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अभी ये सूखा हुआ रबर ज्यादा मजबूत नहीं होता है, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इसके बाद रबर की चीजों को मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री में इन रबर को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।